हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम 3 चैप्टर रीड करेंगे। वी आर ए बिट डिफरेंट, हम थोड़े अलग हैं। इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यदि आप अंधे हैं। एंड आर आस्क टू रीड योर बुक, और आपको बुक पढ़ने के लिए कहा जाए। कैन यू डू सो, क्या आप ऐसा कर सकते हो। यूअर आंसर विल बी नो, आपका आंसर होगा नो, नहीं। बट देर आर मैनी सच पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं। हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ हैं। बट दे गेट एजुकेशन, लेकिन वे शिक्षा लेते हैं। हेलन केलर आल्सो कुडंट सी, हेलन केलर भी देख नहीं सकती थी। बट सी इज रिनाउंड एज एन ऑथर, लेकिन वो एक प्रसिद्ध लेखक थी। डिस्कस एंड टेल, दस पीपल, वे लोग। हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ हैं। हाउ वुड दे हैव रीड बुक, उन्होंने बुक कैसे पढ़ी होगी। डू दिस आल्सो, इन ए थिक क्लॉथ बैग, ये भी करो। एक क्लॉथ बैग लो, थिक मजबूत। पुट सम सिमिलर आइटम्स एज डिफरेंट पेंस पेंसिल स्केच पेंस ईटीसी, उसमें कुछ डिफरेंट आइटम डालो, जैसे पेन पेंसिल स्केच आदि। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने मित्र से कहो। टू पुट हिज हैंड इन द बैग, अपने हाथों को बैग में रखे। एंड आइडेंटिफाई एन आइटम्स विद हिज आइज क्लोज, और अपनी आंखें बंद करके आइटम को सप्रेस करें। वन बाय वन, एक एक करके। यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई हिज आइटम्स, और सभी आइटम को छू के एक मतलब पहचान बनाओ। हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, आपने सभी आइटम की एक पहचान बना ली होगी, सप्रेस किया होगा। यू माइट हैव आइडेंटिफाई द आइटम्स बाय टचिंग देम, आपने सभी आइटम्स को सप्रेस किया है। दज ऑफ आवर कंपेनियंस, और अपने हमारे साथी। हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ हैं। आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट बाय टचिंग, उन्होंने अल्फ़ाबेट को टच करके देम विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, एक विशेष प्रणाली की सहायता से उन्होंने अल्फ़ाबेट को टच करके एक पहचान बनाई है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम, इस सिस्टम को ब्रेल सिस्टम या ब्रेल प्रणाली कहा जाता है, और ब्रेल लैंग्वेज या इसको ब्रेल भाषा भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, बाकी का बचा हुआ चैप्टर कल रीड करेंगे। सो बाय, टेक केयर।